हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल क्रिएटिव स्टूडियो एफएक्स में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पांच सॉफ्टवेयर का लेक्चर स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी लेक्चर आ चुका है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ, देखते रहिए और सीखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये सिनेमा 4D का लेक्चर नंबर 55 है। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग का मॉडलिंग चल रहा था, तो मॉडलिंग में हम आज कुछ बना के देखते हैं। यहाँ से एक टोरस ले लेते हैं, थोड़ा सेटिंग करेंगे बेसिक ऑब्जेक्ट में। इसका सेटिंग हम यहाँ से करेंगे, डिस्प्ले में जाके ये सब को ऑन कर लेंगे, वायर फ्रेम। ठीक है, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ। ये आप लोग लाइन देखिए, यहाँ पे है और यहाँ पे एकदम सादा रखना है। यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे। इतना रहने देते हैं और यहाँ से भी थोड़ा सा इसका सेटिंग ऐसा सेट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको आधा कट करेंगे। उससे पहले इसको हमें एडिटेबल बनाना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट है सी, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको एडिटेबल कर दिया। अभी इसका राइट क्लिक करके लाइन कट से यहाँ से हम एकदम सीधा इसको कट करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप कट कर रहे विजिबल ओनली जो लिखा है, इसको हम अनचेक कर देंगे। इससे क्या होगा कि अगर ये चेक रहेगा तो सिर्फ जो दिख रहा है वही एरिया कट होगा, पीछे का नहीं कट होगा। पर हमें दोनों साइड का कट करना है, तो इसको अनटिक कर देते हैं और यहाँ से इसको कट कर देते हैं। एस्केप मारेंगे, ये कट चुका है। उसके बाद हम यहाँ से रेक्टेंगल में जाके जहाँ से हमने कट किया है वो वाला लाइन छोड़ के बाकी सबको हम पकड़ के इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए पूरा सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम इसको कर देंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद देखेंगे बराबर है मेरा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे सिमेट्रिक और इसको उठा के डाल देंगे इसके अंदर। तो ये क्या हुआ, पूरा फिर से बन गया। पूरा फिर से बनने के बाद हम फिर से आएंगे टॉप में। टॉप में आने के बाद हम रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ तक पकड़ लेंगे, जो हमारा मैंने कट किया था वो वाले पॉइंट्स को छोड़ करके हमें सारे पॉइंट्स को इस तरीके से सेलेक्ट करना है। ये देखिए हो गया। इसके बाद हम यहाँ से इसको बड़ा करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए ये चेन का एक हिस्सा बन चुका है। ये देखिए, अगर हमें कभी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखे, जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं, हमें ये लाइन वगैरह अगर दिख रहा है, ये देखिए, तो हम इसको सही कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये प्रॉब्लम आता है तो वहाँ से हम उसको फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, एक क्लोनर लगाएंगे क्योंकि हमें ढेर सारा बनाना है, तो ये इसको उठा के हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से देखिए इसका कॉपी बन चुका है।
अब क्या करना है हमें, एक लाइन ड्रॉ करना है जिस हिसाब से हमारा ये चेन बनेगा। तो हम फ्रंट से उसको बनाएंगे, आप लोग भी फ्रंट से ही बनाइएगा। तो मैं इस तरीके से एक बना लेता हूँ, एक तरफ टाइप का। तो आप लोग भी ऐसे बना लेना, जस्ट मैंने एक रफ बनाया है। उसके बाद क्लोनर को सेलेक्ट करेंगे और मो ग्राफ में जाएंगे, इफेक्टर में जाके हम एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे जो जिसका नाम है स्प्लाइन। जब हम स्प्लाइन डालेंगे इसके ऊपर और इफेक्टर में आएंगे, तो यहाँ पे देखिए स्प्लाइन लिखा हुआ है और यहाँ पे ये पाथ पाथ मांग रहा है। तो हम ये जो पहले वाला जो एस बनाए थे उसको पकड़ के इसके अंदर डाल देंगे। जैसे ही डालेंगे कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ये देखिए। अब क्या करना है हमें, ये क्लोनर में जाना है और इसको हमें बहुत सारा बना देना है। ये जब हो जाएगा इस तरीके से, पैरामीटर में जाके ये इसका रोटेशन जो है ये 90 डिग्री मैं कर दूंगा, क्योंकि सब इस तरीके से चेन होता है। तो ये देखिए मैंने ये सब इसको 90 डिग्री में रोटेट कर दिया, ये जो अभी इफेक्टर में लगाया था स्प्लाइन नाम से। तो देखिए चेन तो बन गया, अब हमें इसको रोटेट करना है, क्योंकि चेन जो रहेगा इस तरीके से तो रहता नहीं है। और यहाँ पे देखिए जो मैंने एस बनाया था वो थोड़ा आप अपने हिसाब से और अच्छा बना सकते हैं। तो अभी मैं फिर से क्लोनर लूँगा और मो ग्राफ में जाऊँगा, इफेक्टर में जाऊँगा और एक स्टेप लगा दूँगा। और स्टेप को मैं स्केल बंद कर दूँगा, क्योंकि मुझे स्केल नहीं करना है, हमें सिर्फ रोटेशन करना है इस तरीके से। थोड़ा सा घुमाऊँगा मैं इसको और क्लोनर में आके थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। अब हम यहाँ से देखते हैं किस तरीके से हमारा चेन बना है, ये देखिए। अब यहाँ से स्टेप में जाके इसका जो पैरामीटर है हम यहाँ से कैसा भी घुमा सकते हैं, जैसे भी आपको रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं। और जो हमारा स्टेप है वो क्या कर रहा है, ये चेन को रोटेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग का जो ऊपर का दो है ये रोटेट नहीं हो रहा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, स्टेप में जाएंगे, इफेक्टर में जाएंगे, राइट क्लिक करके स्प्लाइन पेरेंट्स को लीनियर कर देंगे। लीनियर करने से ये जो रोटेट नहीं हो रहा था वो भी आप देखिएगा रोटेट होना चालू हो गया, ये देखिए। तो आपको जितना भी इसको रोटेट रखना है, जितना भी आपको इसको रोटेट रखना है आप यहाँ से इस तरीके से इसको रोटेट करके कर सकते हैं, ये देखिए। तो इसके ऊपर हमें कुछ भी अगर टेक्सचर वगैरह डालना है तो वो आप लोग को तो नॉर्मल जो टेक्सचर मैंने बताया है करने का, तो आप उसको टेक्सचर कर सकते हैं। कलर में जाके कोई भी कलर आपको चाहिए, क्योंकि अभी मैं टेक्सचरिंग नहीं बताया हूँ इसलिए आपको सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल अप्लाई करने के लिए बता दिया हूँ कि कैसा टेक्सचर लगाया जाता है, क्योंकि टेक्सचरिंग का अभी लेक्चर बाकी है, टेक्सचरिंग का आगे आएगा तो मैं टेक्सचरिंग बताऊँगा। ये देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए।